पांच पैसे गल हो बंद कर क्या क्योंकि तुझे रीडिंग चला करती क्यों बेच इन्हें कट किया देखो मैडम जी इन्हें रीडिंग चला करती इन्हें कट क्यों आप बताए हुआ क्या ये क्योंकि इन्हें कट क्यों किया पेट्रोल पंप में किस तरह से धांधलियां की जाती हैं उसका पर्दाफाश जो आज जम्मू परिवर्तन टीम ने किया बता दें इस वक्त गुम्मट पेट्रोल पंप के पास हूं मैं जहां पर एक ऑटो चालक के साथ जो है धोखाधड़ी की गई किस तरह से की गई वो तस्वीरें हम आपको बताएंगे साथ ही साथ ऑटो चालक से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ तस्वीरें हम आपको वो भी बताएंगे क्योंकि जब भी आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने जाएं तो जनाब ध्यान रखिएगा क्योंकि ये किस तरह से धांधलियां करते हैं किस तरह से चलाकियां करते हैं उसका ध्यान आपको जो है जरूर रखना होगा। अगर आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो एक एम्प्लॉय जो है इनका पेट्रोल डालेगा दूसरा पैसे काटेगा लेकिन जब आप पेट्रोल डलवाने से पहले ही आपके पास जो है पैसे लेने वाला पहले पहुंच जाएगा ताकि आपका ध्यान जो है वो कहीं और हो पैसे देने में हो उसके बाद मीटर रीडर क्या शून्य से शुरू करेंगे ये मालूम नहीं इस चीज का आपको खासा तौर पर ध्यान रखना होगा। लेकिन आप तस्वीरें देखिए क्या हंगामा हुआ और हमारा माइक भी छीनने की कोशिश की गई। जब हम जनता तक खबर पहुंचाते हैं प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर के साथ और जब धांधलियां सामने आती हैं तो तकलीफ होती है। तकलीफ इस कदर हुई कि जम्मू परिवर्तन के माइक को छीनने की कैमरा बंद करने की जो है कोशिश की गई लेकिन हम नहीं करेंगे जनाब। हम जनता तक खबर जो है प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर के साथ पहुंचाएंगे क्योंकि हमारा एक ही कर्तव्य कि आप तक कोई भी खबर पहुंचे प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर के साथ पहुंचे। तस्वीरें देखिए बंद कर मैडम इसी समझाओ मुड़े अपने अपने मुड़े की समझाओ क्योंकि इसी आपको पंप से ही दिया करो तेल की गाड़ी क्योंकि तुझे रीडिंग चला करती क्यों बेच इन्हें कट किया देखो मैडम जी इन्हें रीडिंग चला करती इन्हें कट क्यों आप बताए हुआ क्या ये क्योंकि इन्हें कट क्यों किया मैं झड़के मार रहे हैं तेल को दे रहे हैं ये ठीक है जो तेल आता है सही तरीके से जब उधर ये जब उन्होंने मीटर लगा दिया फिर झड़के मारने की क्या जरूरत है उसको फिर बंदा उधर खड़ा होता है ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ऑटो चालक हमारे साथ है और किस तरह से धांधलियां जो हैं की जा रही हैं पेट्रोल पंप पर उनका पर्दाफाश जो है जम्मू परिवर्तन ने किया। ये ऑटो चालक है क्या हुआ था पूरी बात सुन रहे हैं ये बात है कि हम तेल डलवाने जाते हैं इनकी रीडिंग तो बराबर नहीं होती है एक तो जहां से मैं एक तो पैसे लेने में के लिए आया था आगे दूसरा समझो कि ध्यान बढ़ाने के लिए घेरा बना लेते हैं एक पैसे लेने के लिए दूसरा आप तेल डालने के लिए तेल का तो पता नहीं चलता कि कितना डाला इन्होंने कितना नहीं 100 रुपये का या 200 रुपये का डालो हम तो मैं 17-18 साल हो गया ड्राइवरिंग करते हुए इनके साथ ही इनकी दांधड़ मिटती नहीं है खत्म नहीं होती इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनका कोई ऐसा किया जाए कि इनका कोई सबक सिखाया जाए इनको कि हम फिर भी कहते हैं इनको हमारे कंप्रोमाइज़ करते हैं ये कहते हैं कि तेल डालो हमारे पंप से पहले हमारे स्टैंड पे आते हैं हाथ बांधते हैं कि हमारे पंप पे आओ आप तेल डालो लेकिन जब तेल डालने के लिए जाए वो सीधी बात नहीं करते जो मुलाजम रखे होते हैं वो बाद में कहते हैं कि ले जा 200 रुपये की बोतल। अभी जब सुबह जब हंगामा हुआ तब मैं भी वहाँ पर मौजूद था तो आपके साथ कोई लेडी बातचीत कर रही थी वो पंप की मालक थी वो जो लेडीज थी उन्होंने माइक भी हमारा छीनने की हाँ वो पेट्रोल पंप की मालक थी लेकिन अब वो मेरे से भी कह रही थी गलती हो गई बच्चों से लेकिन मैंने उनको ये भी कहा कि जो अपने मुलाजम रखे हुए उनको समझाओ सही तरीके से उनकी बात करो लेकिन वो ठीक तरीके से पब्लिक से बात करें लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं हम आपसे ही बात कर सकते हैं कि हमारा बात का कोई हल निकाले आप तो कितना मतलब किस तरह से धांधलियां करते हैं कोई जो देखो भैया मैंने पहले बताया कि ये रीडिंग का कोई पता ही नहीं है कहां से आती है कहां से चले जाएगी इनको पता ही नहीं चलता हमें एक बंदा पैसे लेने के लिए आगे आया था दूसरा
ध्यान समझो कि बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक बंदा पैसे के लिए पड़ जाता, दूसरा तेल डालता, तेल डाला 180 का हो गया 200 का, रीडिंग जी इनकी चेक नहीं होती है। इन पंप वालों को सबको सिखाओ आप, हम ये बात कहते हैं। जितने भी जो वर्कर्स हैं, क्या लगता है कि इन सब की मिली जुली इनकी जो जो उनके वर्कर रखे हुए हैं, इनकी ही सारी चाल होती है, ये सारे मिले जुले होते हैं। ये हम नहीं कहते कि बाद में हमें ही बोलते हैं कि 200 की बोतल है 100 दे दे, 200 की बोतल है 100 दे दे, ये बात इनकी जब इनकी ड्यूटी ख़त्म होती है 100 की बोतल दे देते हैं। ये इनके पास कहाँ से तेल आता है ये हमें नहीं पता, ये लोगों का ही बचाया हुआ तेल हमें बांटते हैं, ये इसीलिए बात। चलिए शुक्रिया, ऑटो चालक से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि जो पेट्रोल पंप में जो हुआ वो तस्वीरें हमने आपको बताई, क्योंकि आप भी अगर पेट्रोल डलवाने जाएं तो जनाब ज़रा ध्यान से, धांधलियां चल रही हैं और धांधलियों का पर्दाफाश ऑटो चालक ने किया। उस वक्त जम्मू परिवर्तन की टीम भी वहाँ मौजूद थी, हमारा माइक छीनने की जो है कोशिश की गई, लेकिन जो वहाँ के वर्कर्स हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि शायद मालिक तक की बात जो है वो नहीं हो, यानी कि उनको नहीं पता हो कि वर्कर्स क्या कर रहे हैं, लेकिन जो वर्कर उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे कहीं ना कहीं घपला, धांधलियाँ, वो चीज़ें जो हैं शरेआम हो रही हैं। कहाँ से मीटर शुरू होता है, कहाँ तक ख़त्म होता है, अगर आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो शायद जल्द से जल्द आपके पास जो है पैसे कटवाने वाला आ जाए, आपका ध्यान वहाँ पर चल जाए, और कहाँ से मीटर शुरू हो ये नहीं पता चलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जब भी पेट्रोल पंप में जाएं पेट्रोल डलवाने ध्यान ज़रूर रखिएगा, ताकि मीटर रीडिंग जो है शून्य से शुरू हो, ताकि आपको पूरा तेल जो है पेट्रोल मिले। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, कारण अभिषेक कुमार के साथ, जय हिंद।